मामला यूपी के फिरोजाबाद के साथी आश्रम बगीची के पास का है, जहां पर थाना उत्तर क्षेत्र के संतोष नगर निवासी सुशील कुमार अपने बच्चों को सती वाली बगीची इंदिरा कॉलोनी थाना रामगढ़ स्थित स्कूल में छोड़कर लौट रहे थे। बताया जाता है कि एक बाइक पर दो युवक हेलमेट लगाए हुए थे, जिन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद दो राउंड गोली चलाई, जिससे युवक घायल हो गया। इस दहाड़े गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। वहीं आपको बता दें कि अपने आप को घिरता देख बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने तमंचे को कब्जे में लिया और पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिरोजाबाद से संवाददाता राकेश वर्मा की रिपोर्ट। ये आज सुबह थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारे जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। उनको तत्काल ही जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया तथा इलाज चल रहा है। उक्त के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। ये अकस्मात ये गाड़ी से जा रहे थे, हम लोग तो रोड पर रहते हैं, एकदम आया, दो बंदे आए थे हेलमेट लगा के, उन्होंने तमंचा ताना चला दी, तो बंदा भाग गया, अपनी जान बचा।